जय माता दी। दोस्तों, रात के अपने मंसूबे, दिन की अपनी साजिशें, इन दोनों के बीच मैं और मेरे खर्चा पानी ब्रेकआउट्स। जी हाँ, आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है खर्चा पानी ब्रेकआउट्स। और बेसिकली क्या है, इन ब्रेकआउट्स के बेसिस पर अगर कोई ट्रेड लेता है तो खर्चा पानी निकाल सकता है। अब खर्चा पानी क्या है, खर्चा पानी की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कितना आप इनपुट डाल रहे हैं। भाई, जितना गुड डालोगे उतनी मिठास होगी। निकालने वाला यहाँ से अपनी एक फॉरेन हॉलिडे भी निकाल लेगा, डायमंड रिंग भी निकाल लेगा वाइफ के लिए, एक डिनर भी निकाल लेगा, शॉपिंग भी निकाल लेगा। और साथ में डिपेंड क्या करता है, साथ में मैटर करता है कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। तो आज से मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ खर्चा पानी ब्रेकआउट की सीरीज की। जब भी मेरे पास कोई अच्छे स्टॉक्स होंगे जो कि खर्चा पानी ब्रेकआउट की कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए दो स्टॉक्स इस सीरीज में, खर्चा पानी ब्रेकआउट में दो स्टॉक्स लेके आया हूं। एक तो है मिड कैप स्टॉक और एक है फ्रंट लाइन लार्ज कैप स्टॉक। तो शुरुआत करता हूं मैं, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ फ्रंट लाइन लार्ज कैप स्टॉक के साथ शुरुआत करता हूँ। और जो मेरा पहला स्टॉक में लेके आया हूं, देखिए वो है GPPL, जी हाँ, गुजरात पिपावा पोर्ट लिमिटेड। मार्केट कैप है 4700 करोड़ की। और एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, ये मैं क्यों पढ़ के बोल रहा हूं, बेसिकली गुजरात पिपावा पोर्ट कोई सरकारी कंपनी नहीं है। मतलब कि आप सोचें कि कोई सरकारी कंपनी है, PSU नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। और ये फर्स्ट भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, ये दिस इज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑफ इंडिया। और ये साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात में बेसिकली लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, डेट फ्री है। और इसमें देखें तो जो प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो 44% प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर है APM टर्मिनल मॉरिशस लिमिटेड। 44% प्रमोटर के पास है और प्रमोटर है फिरंगी FIIs। म्यूचुअल फंड 20% होल्ड करते हैं फॉरनर्स, FIIs का स्टेक 21% है। तो प्रमोटर्स प्लस म्यूचुअल फंड प्लस FIIs, ये टोटल हो जाता है 85%। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फ्लोटिंग स्टॉक काफी कम है, स्टॉक काफी समय से चला नहीं है। और इसके अंदर देखने को मिल रहा है बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट। और ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने है, देखिए ये मेरी हेज फंड ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पर दिसंबर 2016 से डाउन ट्रेंड के अंदर था। इनफैक्ट जब कोविड की वेव वन आई मार्च 2020 में, तब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर था। ये यहाँ पर अब ट्रेंड के अंदर आया 88-89 में, दोबारा नीचे गिर गया। अब दोबारा से इसने मेरी हेज फंड ट्रेंड लाइन को तोड़ा, दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर ये आ रहा है। और ये देखिए, ये तो मैंने हेज फंड ट्रेंड लाइन दिखा दी, ये देखिए ये इसका दूसरा वीकली चार्ट है, मेरे अपने एलिगेटर के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर एक नीट क्लीन क्लियर क्लोजिंग है, ब्रेकआउट है। और जिस तरीके का यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर है, खर्चा पानी को क्वालिफाई करता है। और मुझे लगता है यहाँ पर इजीली 115-117 के लेवल्स यहाँ पे इजीली देखने को मिल सकते हैं। 98 रुपीज के अराउंड चल रहा है और मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए है क्या मार्केट में हो रखा है, फोमो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है। और जो स्टॉक चले नहीं है, अगर उसके अंदर बड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो तेजी से भाग रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे पहले टारगेट्स हैं, 115 से लेकर 117-118 के, ये मेरे यहाँ पर पहले वाले टारगेट्स हैं गुजरात पिपावा पोर्ट में। एक बार ये लेवल्स आएंगे तब इसको मैं रिव्यू करूंगा। अब जो दूसरा मेरा स्टॉक है, देखिए दूसरा जो मेरा स्टॉक है जो कि खर्चा पानी ब्रेकआउट को क्वालिफाई कर रहा है, वो बैंकिंग सेक्टर से है, FNO के अंदर भी उपलब्ध है, आप गेस करें। देखिए उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक है। जिस तरीके से मार्केट में रैली आती है, आपके मेरे पास पूछना हो तो हमें फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होती है, तो उस तरीके से भैया इन स्टॉक्स को भी होती है, इन कंपनीज को भी होती है। और देखिए ये तो गुजरात विभाग का चार्ट खुला हुआ है, ये देखिए ये है कोटक महिंद्रा बैंक का टेक्निकल चार्ट। देखिए ये है कोटक महिंद्रा बैंक का टेक्निकल चार्ट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने आज मई 2022 के हाइस को तोड़ा है। देखिए इसने आज मई 2022 के हाइस को तोड़ा है, मई 2022 के हाइस को तोड़ रहा है ये।
टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और देखिए ये चीज मैंने पहले भी दिखाई हुई है, ये देखिए छोटे मझोले काउंटर्स हैं, ये फेडरल बैंक ने जब अप्रैल मई के हाइस को तोड़ा था तो क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे तोड़ा 106 रुपए पर, 120 रुपए खड़ा हुआ है। सिटी यूनियन बैंक में आप देखें ये वाले मई जून के हाइस थे, यहाँ पर ये लेवल्स टूटे 146 पर, तो स्टॉक 185 पे ट्रेड कर रहा है। और दूसरी तरफ आप निफ्टी बैंक को देखें, देखिए निफ्टी बैंक को देखें तो इसने भी ये लेवल्स तोड़े थे, मई के लेवल्स तोड़े थे। और यहां पर अगर आप देखें तो भैया हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग जब फियर सबके ऊपर था। देखिए इन लेवल्स पर, अभी मैं लाइन को ठीक कर रहा हूं, देखिए हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने। और सेम चीज देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, एफएनओ का स्टॉक है, टेक्निकली मई के लेवल्स तोड़ रहा है, ऊपर नीचे होगा, उसमें कोई, उसमें सबको मालूम है कि चीज ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होगा, बट टेक्निकली एक ब्रेकआउट हुआ है, इसको भी फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। और मुझे तो इजीली लगता है कि भैया ये स्टॉक काफी तेज जाना चाहिए, और यहाँ पर मतलब कि 2080 90 2100 की बात करें, बट एक बार इसके ऊपर सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो 2100 प्लस के लेवल्स, 2100 प्लस के लेवल्स मुझे लगता है कोटेक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको दो बेहतरीन खर्चा पानी ब्रेकआउट स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे, पूरा टेक्निकल शेयर करा गुजरात पीपावा पोर्ट का, कोटेक महिंद्रा बैंक का। तो आप लोगों से एक तो मेरी गुजारिश है, मेरा अगर यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको कर लें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जैसे कोई सुटेबल दूसरा कंटेंट मेरे पास होगा वर्थ शेयरिंग, मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।